तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले के गुडवनचेरी में लगातार दो दिनों से हो रही बारिश की वजह से चेन्नई त्रिची नेशनल हाईवे पर पानी भर गया है। चेन्नई त्रिची नेशनल हाईवे सोमवार को पूरी तरह से बंद हो गया था, हालांकि फिलहाल इसे वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। गुडवनचेरी झील में जल स्तर लगातार बढ़ने की वजह से इलाके में बाढ़ आ गई है। इसकी वजह से आसपास के इलाकों में रहने वाले करीब 2000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। रिहायशी इलाके लगातार दूसरे दिन भी पानी से घिरे हुए हैं। लोगों की शिकायत है कि 5 नहरों का रखरखाव ठीक से नहीं किया गया, जिसकी वजह से बाढ़ आ गई है। फायर ब्रिगेड के अधिकारी बाढ़ की वजह से घरों में फंसे लोगों तक खाने पीने का सामान पहुंचाने के लिए नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमिलनाडु सरकार ने मंगलवार को चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम और चेंगलपट्टू जिलों में शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी ऑफिसों और बैंकों में छुट्टी घोषित कर दी है। निजी कंपनियों से कहा गया है कि वो प्रभावित इलाकों में रहने वाले कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा दे। 1 வீக் முன்னாடி மெயினாக வந்து என்னென்னா, மெயினாக உள்ளே வந்து கால்வாய்கள் சரி கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து ஜிஎஸ்டி ரோட்டில் இருக்கிற 5 கல்வெட்டுகள் இருக்குது, அந்த கல்வெட்டுகள் எதுவுமே ஒர்க் பண்ண மாட்டேன்னுது. வருஷம் வருஷம் வந்து அதிகாரிகள் பார்த்துட்டு தான் போகிறாங்களே தவிர எந்த விதமான ஆக்ஷனும் இல்லை. நம்ம மொத்தம் 3 ஏரிகள் தண்ணியை வந்து ஒரே இடத்துல விட்டுருக்காங்க எங்களுக்கு. அதுக்கு கிளை கால்வாய்கள் நிறைய இருக்குது, அந்த கிளை கால்வாய்கள் எதுவுமே இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து ஒர்க் பண்ணலை. இது வந்து என்னென்னா, வருட வருடங்கள் எங்களுக்கு வந்து என்னென்னா 1 அடி 2 அடி வரும். இந்த வருடம் வந்து பயங்கர சேதாரம். எங்களுக்கு வந்து வாழ்வாதாரமே, நாங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் இருக்கவங்களுடைய வீடு பொருள் எல்லாமே நாசமாயிடுச்சு. और ऐसी डेली न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं।